आज एक बहुत ही बड़ा दिन है गाइस लॉस सैंटोस के मिलिट्री के लिए, क्योंकि आज वो लोग टेस्टिंग करने वाले हैं एक बहुत ही डेंजरस मिसाइल की। और इस टेस्टिंग के बारे में भाई लॉस सैंटोस में पहले से ही लोगों को पता चल चुका है, काफी दिनों से लॉस सैंटोस के लोग और साथ ही साथ हम लोग भी इंतजार कर रहे थे इस दिन का, और फाइनली आज वो दिन आ चुका है। तुम लोगों को लग रहा होगा गाइस कोई छोटी मोटी टेस्टिंग चल रही है, बिल्कुल नहीं, ये टेस्टिंग भाई मिलिट्री में, इस टेस्टिंग के लिए मिलिट्री वाले भाई पिछले एक साल से मेहनत कर रहे थे और आज फाइनली वो लोग इस मिसाइल की टेस्टिंग करने वाले हैं। इस मिसाइल की स्पेशलिटी ये है भाई कि ये मिसाइल के अंदर भाई हम लोग सेट कर सकते हैं कि इस मिसाइल को गिरना कहां पर है, और फिर ये मिसाइल लॉन्च करने के बाद एग्जैक्टली उसी जगह पर गिरती है। तो ये है इस मिसाइल की स्पेशलिटी, और इसी के ऊपर मिलिट्री वाले पिछले एक साल से काम कर रहे थे, और आज उसकी टेस्टिंग होने वाली है और हम लोग उस टेस्टिंग को देखने वाले हैं अपने टीवी पर। इसलिए भाई टीवी को ऊपर से उखाड़ के हम लोग नीचे लेकर आ चुके हैं फिर से। शिनचैन पिंजन चौप, एक्साइटेड हो तुम लोग? अरे यार डर लग रहा है हमें तो। हैं, अबे डर क्यों लग रहा है तुम लोगों को, टेस्टिंग ही तो हो रही है मिसाइल की। बे यार कलवे, मान ले वो मिसाइल इधर उधर चली गई तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अबे ऐसे कैसे गड़बड़ हो जाएगी, मिलिट्री वाले पिछले एक साल से मेहनत कर रहे हैं इस मिसाइल के ऊपर, और इस मिसाइल की स्पेशलिटी है कि भाई ये एग्जैक्टली उसी जगह पे गिरती है जहां पर उसको सेट किया गया होता है, समझ जाए तू। फिर भी भाई चीज तो मशीनी है वो, और मशीन तो इधर उधर कहीं भी जा सकती है। अबे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग बेमतलब में डर रहे हो, पूरा लॉस सैंटोस खुश हो रहा है आज, तुम लोग डर रहे हो यार। अरे यार फिर भी डर तो लगता है। डरो मत, चलो देखते हैं कैसे हो रही है टेस्टिंग, मजा आने वाला है गाइस, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आ जाओ टीवी देखते फटाफट। अरे चलो टीवी चालू करो यार। अरे लेकिन एक सेकंड रुक जाओ यार। क्या हो गया भाई? अरे ये पत्ते आ रहे हैं टीवी के आगे। अबे एक सेकंड, थोड़ा टीवी को आगे की तरफ करता हूँ, रुको गाइस, पत्ते आ रहे हैं, सही कह रहा है ये, अब क्लियरली दिख रहा है भाई। अरे हाँ यार अब टीवी को ऑन करो फटाफट। लेट्स गो गाइस, टीवी को करते हैं ऑन और देखते हैं क्या चल रहा है मिलिट्री बेस के अंदर, लॉन्चिंग की तैयारी हो रही है कि नहीं, लेट्स गो। तो लॉस सैंटोस के लोगो, आप जो मेरे पीछे व्हीकल देख रहे हैं ये वही व्हीकल है जिसके ऊपर वो खतरनाक सी मिसाइल लगी हुई है, जिसको बनाने की कोशिश हमारे ऑफिसर्स और हमारे कुछ साइंटिस्ट ह्यूमन लैब्स के कोशिश कर रहे थे पिछले एक साल से बनाने की। और इस मिसाइल की खासियत ये होने वाली है कि ये लॉन्च होने के बाद जहाँ पर हम लोगों ने लोकेशन सेट की है ये वहीं पर गिरेगी। तो सर जरा ये भी बताइए, ये मिसाइल की लोकेशन आपने कहाँ की सेट की है? तो ये मिसाइल की लोकेशन हम लोगों ने सेट की है वो दूर समुद्र में, ताकि लॉस सैंटोस के लोगों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है? ओके सर, तो ये मिसाइल कब लॉन्च की जाएगी? बस अगले कुछ ही सेकंड्स में, कर्नल सर से पूछने के बाद हम लोग इस मिसाइल को लॉन्च करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करेंगे। सर हम लोग मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं क्या? टाइम तो हो गया है, कर देनी चाहिए मिसाइल लॉन्च। यस करो। ओके सर, थैंक यू फॉर योर कमांड। तो यहाँ पर लॉस सैंटोस के लोगो तैयार हो जाइए, आप लोगों को इतने दिनों से जिस चीज का इंतजार था वो चीज फाइनली आज होने वाली है। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्च करो। तो सर रेडी हूँ मैं लॉन्च करने के लिए इस मिसाइल को, तो क्या मुझे लॉन्च कर देना चाहिए? ऑन द कमांड 3 2 1 फायर। ओके सर, तो फाइनली सक्सेसफुली हम लोगों ने मिसाइल को लॉन्च कर दिया है, और अब देखना यह है कि ये मिसाइल कहां पर जाकर गिरती है। तो लॉस सैंटोस वासियों तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मिसाइल जल्द ही गिरने वाली है, और आप लोगों को खुशी होगी हमारी एक साल की मेहनत देखकर, देखना परफेक्टली हम लोगों ने समुद्र में जहां पर सेट किया है ये मिसाइल वहीं गिरेगी। थैंक यू। ओके, देख लिया भाई, फाइनली मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। अरे हटो हटो, अब देखने तो मिसाइल गिरती कहाँ है। अच्छा ठीक है भाई, ये भी देखोगे, देखो। तो लॉस सैंटोस वासियों, मिसाइल के ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ है, तो अभी आप लोग जिस फुटेज को देख रहे हैं ये उस मिसाइल के कैमरे की है, और आप देख सकते हैं कि ये समुद्र से तो कहीं और ही जा रही है। अरे ये मिसाइल तो किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है। अरे ये तो किसी एक तालाब के पास गिरने वाली है। अरे ये तो मिसाइल फेल हो गई लगता है। अरे फेंबे यार, ये तो अपना ही घर दिखा रहे थे। अबे भागो यहाँ से, मिसाइल यहीं पे गिरने वाली है, भागो भागो। अबे जल्दी भागो बे, जल्दी भागो, ये तो टीवी में लिटरली में भाई हमारे घर पे ही मिसाइल दिखा रहे हैं गिरने वाली है। अबे पापा भागो 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 भाई भागो, बहुत ज्यादा दूर भागना पड़ेगा। अरे कितनी ज्यादा दूर भागे यार? पता नहीं यार, वो मिसाइल कितनी ज्यादा डेडली है। आई गेस मिसाइल ज्यादा डेडली नहीं होगी भाई, क्योंकि मेन चीज तो उसकी यही थी कि वो लैंडिंग कहाँ करती है। अबे यार ये तो हमारे घर पे ही आ गई, मिसाइल गिरी नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ तक है। तुम लोग आओ ना बे, कहाँ रह गए? मिसाइल गिर गई।
अरे गिर गई तेरी भाई साहब हमारा घर। अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा डेडली मिसाइल थी। हमारे स्विमिंग पूल का पानी उड़ रहा है भाई, और कहीं का पानी नहीं है, हमारे स्विमिंग पूल का ये देखो पानी उछला। अब यार हमारा घर गया भाई, इस बार तो पक्का हमारा घर गया। यार कलुआ क्या मिसाइल थी ये? अब मिलिट्री वालों की बनाई हुई मिसाइल थी, कोई छोटा मोटा बॉम्ब थोड़ी ना था। अरे तो अब क्या होगा हमारे घर का? मुझे नहीं लगता हमारा घर अब घर कहने लायक बचा है। अब वो घर नहीं, अब वो खाली जमीन ही बचेगी वहाँ पर। भाई साहब यार कलुआ ये तो बहुत ज्यादा गलत चीज हो जाएगी भाई हमारे संग। जो मिसाइल की स्पेशलिटी थी वही चीज कम्प्लीट नहीं कर पाई भाई मिसाइल। मिसाइल की स्पेशलिटी यही थी कि जहाँ पर हम लोग चाहते हैं वहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग गिरा सकते हैं इस मिसाइल को। और मिलिट्री वालों ने सोचा था कि पानी के अंदर गिराएंगे, लेकिन पानी तो छोड़ो बीच पे भी नहीं गिरी, ये तो सीधे मेरे घर पे आके गिर गई जो कि लॉस सैंटोस के बिल्कुल बीचों बीच है। अरे अब क्या करें यार? अब क्या करें कि अब तो ये जब मिसाइल रुकेगी और ये एक्सप्लोजन रुकेगा तभी पता चलेगा कि आगे हमें क्या करना है। नया घर खरीदना पड़ेगा या फिर इस घर को बनाने लायक दोबारा कुछ बचेगा या फिर नहीं बचेगा, वो तो जब ही एक्सप्लोजन शांत होगा तभी पता चलेगा। फिलहाल तो गाइस तुम लोग चाहते हो कि भाई कुछ तो बच जाए हमारे घर के अंदर, तो जाओ भाई वीडियो को लाइक कर दो अभी का भी। अरे हाँ यार अभी का भी जाओ वीडियो को लाइक करो। यस गाइस अभी का भी जाओ भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। लिटरली मैं भाई मुझे नहीं लगता घर के अंदर कुछ बचेगा। यहाँ पर लॉस गैंग वगैरह से हमारे पंगे हो जा रहे थे तो बच भी जा रहा था, क्योंकि वो तो ज्यादा से ज्यादा बॉम्ब ही तो यूज करेंगे। लेकिन इस बार तो ये मिलिट्री वाले जो कि पिछले एक साल से उस मिसाइल को बना रहे थे वो मिसाइल गिरा दिया इन लोगों ने, और लगता नहीं घर बचेगा अब। फिलहाल जब शांत होगा तभी पता चलेगा, इंतजार करते हैं इसके शांत होने का। अरे यार एक्सप्लोजन रुक गया। एक्सप्लोजन तो रुक गया भाई, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही अपना घर देखने की। बैक कलवे जाना तो पड़ेगा भाई, हमारे पास कोई और घर भी नहीं है, इसी घर को देखने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा भाई, लिटरली मैं मुझे नहीं लगता उसमें कुछ बचा होगा। छोड़ो हम लोग बिना देखे ही निकल लेते हैं। अरे ऐसे कैसे निकल लेते हैं, अपने घर को देखना तो पड़ेगा ही, तो जाओ ना तुम लोग देखो। मेरे से क्या कह रहे हो भाई? बैक कलवे भाई तो तू थोड़े दिल का मजबूत है भाई, तेरे को आगे भेज रहे हैं, अपना घर देख के तो हम लोग बेहोशी हो जाएंगे, तू शायद नहीं होगा। अबे मैं भी हो जाऊंगा आज तो लगता है भाई, मैं नहीं जा रहा, तुम लोग ही जाओ। अरे जाओ ना यार एक बार देखने तो जाओ। बैक कलवे सुन भाई, हम लोग मिलिट्री वाले से पैसे मांगेंगे भाई, हमारा घर उनकी वजह से टूटा है। बात तो एक्चुअली में सही कह रहा है यार चौप तू। अरे वही तो यार, उनकी गलती की वजह से टूटा है, उन्हें पैसे देने ही पड़ेंगे हमारे घर को वापस से बनाने के लिए। हाँ 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 बात करेंगे गाइस मिलिट्री वालों से, बट अभी क्या, अभी कौन घर देखने जाएगा? अरे तुम जाओगे और कौन जाएगा, जाओ यार। बैक कलवे जाना यार, इतना क्या डर रहा है तू? ठीक है मैं ही जा रहा हूँ। ओके चलो गाइस डरते डरते देखने के लिए चलते हैं भाई, अपने घर में कुछ बचा है क्या? फिलहाल अभी तक तो कुछ टूटा फूटा नजर नहीं आ रहा है, होपफुली उधर थोड़ा छत पे कुछ टूटा हुआ नजर आ रहा है, चलते हैं आगे की तरफ। ओके गाइस ओके ओके टूटा टूटा नजर आने लग गया है, बहुत कुछ टूटा हुआ नजर आने लग गया है। अरे भाई ये तो पूरा घर ही टूट गया है ऐसा नजर आने लग गया है। ओ तेरी, ये क्या ड्रामा हो गया भाई? ये तो दीवारों से ईंटें निकल आई है यार। वही तो भाई, दीवारों से ईंटें सारी की सारी बाहर निकल आई है भाई साहब, छज्जा वज्जा सब कुछ उड़ गया घर का। अरे घर की दीवार तो नजर ही नहीं आ रही, इधर कहाँ ढूंढूं मैं घर की दीवार को। अब ये देखो भाई पूरी ईंटें बाहर निकल आ रखी हैं, ये बंदा कहाँ से गाड़ी लेकर जाना चाह रहा है? अरे आंटी जी आपको आपको यही यही रास्ता मिल रहा है गाड़ी ले जाने के लिए, दिख नहीं रहे हैं सामने वाले का घर उड़ गया बेचारे का, मान ही नहीं रहे हैं भाई लॉस सैंटोस के लोग। वो देखो सारी ईंटें निकल आई हैं भाई। अरे तेरी, इधर से भी सारी की सारी ईंटें निकल आई है। अबे ये कौन से नालायक है, तुम्हें यहीं से रास्ता मिल रहा है? अबे यार एक बार तुम लोग देखो तो सही है कि क्या हाल हो गया है भाई पूरे घर का। ऐसा हाल हो गया है कि मैं अपने छत पे डायरेक्ट यहाँ पर इन मलेवों को पकड़ के जा सकता हूँ लिटरली। मैं ये देखो अपने छत पे जाऊं मैं यहीं से बिना सीढ़ी वगैरह का यूज किए, ये देखो तुम लोग यहीं से मैं चला जाऊंगा छत पे, ऐसा हाल हो गया है। अरे ये क्या ही हाल हुआ है, पता नहीं बालकनी का क्या हाल हुआ होगा अपनी। अरे मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है देखने जाने का। चलो गाइस बालकनी देखने चलते हैं। अबे कौन है ये? आंटी आंटी निकलो यहाँ से, एक तो गाड़ी लेके यहीं पे आ गई और इनकी गाड़ी कहाँ गई पता नहीं यार। छोड़ो भाई जहाँ भी गई इनकी गाड़ी, फिलहाल हमारा घर तो नहीं बचाना, पूरा घर तबाह हो गया भाई, सिर्फ एक मिसाइल ने इतना डैमेज किया है। अरे ये बंदे मानते क्यों नहीं है लॉस सैंटोस के? अबे जब दिख रहा है सामने की तरफ यहाँ घर टूट गया है अगले बंदे का, इधर से इसी रोड से जाना जरूरी है, एक
तो मेरे को ठोक भी दिया है। बाहर निकल, तेरी ऐसी की तैसी, यही रास्ता मिला है तेरे को जाने के लिए, इस गाड़ी को कहीं और लेके जा। अरे यार ये बंदे मान क्यों नहीं रहे भाई, एक तो वैसे ही घर टूटा पड़ा है इधर और मेरा घर तोड़ने में लगे पड़े हैं। अरे कैसे ही बंदे हैं यार लॉस सैंटोस के। अरे यार क्या करे, रुक जा भाई, सोचते हैं क्या करे, पहले रुक जा, देखने तो दे अंदर कितना डैमेज हुआ है। फिलहाल इधर भी सब कुछ टूट फूट गया है। चलो अब गिर गया मैं। ओके लेट्स गो गाइस, फटाफट से अंदर चलते हैं। अरे यार नहीं जाया जा रहा है और मैं बार बार उसी जगह पे गिर रहा हूँ जहाँ सरिया है भाई, सीधे पिछवाड़े में घुस जाएगी ये सरिया। ओके आराम से, ओके इधर तो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, इधर की भी ईंटें बाहर आ गई हैं भाई बहुत बुरी तरीके से। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके अंदर अंदर सब कुछ ऑल राइट होगा, अंदर सब कुछ ऑल राइट नहीं है, नहीं है कुछ भी ऑल राइट यहाँ पर। शीशे नहीं टूटे यार, है भाई पूरा घर तबाह हो गया है, लेकिन यहाँ पर ना हमारा टीवी ब्लास्ट हुआ, ना टीवी को नुकसान हुआ कुछ, और ना यहाँ शीशे टूटे। भाई कैसे मजबूत वाले शीशे लगाए हम लोगों ने, ये देखो बालकनी वाले भी शीशे नहीं टूटे, कुछ ज़्यादा ही असली और महंगे वाले शीशे लगवा दिए हैं। फिलहाल हमारे घर का जो ये हाल हुआ है, ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री वालों की वजह से। चलते हैं भाई, चल के मिलिट्री वालों से पैसे मांगते हैं। अरे बिल्कुल यार, उनकी गलती की वजह से हुआ है। यस गाइस, भाई अगर मान लो एक दो दिन मेहनत करके इस मिसाइल पे और ये लोग फिर ये बना देते ये मिसाइल और फिर लॉन्च करते तो कोई बात भी होती, पिछले एक साल से मेहनत कर रहे थे ये लोग, क्या मेहनत की भाई तुम लोगों ने, जब तुम्हारी मिसाइल मेरे ही घर पे आके गिर गई समुद्र में जाने की बजाय। और ऐसा भी नहीं है कि चलो मेरा घर समुद्र के पास था तो थोड़ा मिसाइल ने गलत इंटरप्रेट कर लिया और इधर उधर गिर गई, नहीं भाई पूरा अपोजिट आई है मिसाइल, मिसाइल को गिरना चाहिए था कहाँ और मिसाइल गिरी कहाँ है, कोई कोई बात होती है ये। इसीलिए गाइस मैं चला मिलिट्री वालों से पैसे मांगने के लिए। होपफुली मेरी गाड़ी सेफ हो यार गैराज में। गैराज का गेट खोलते हैं, खुल तो रहा है गाइस। गाड़ी आओ, गाड़ी गाड़ी सेफ है, गाड़ी एकदम ही सेफ है। आ जाओ भाई, शिनचैन और पिनचैन बैठो, फटाफट से हम लोग मिलिट्री बेस निकलते हैं। पिनचैन भाई आ जा बैठ, फटाफट से बैठ, हम लोग यहाँ से मिलिट्री बेस निकलते हैं जल्दी से। चौप भाई गाड़ी पे बैठ जा, आ जा बैक कर लो, चल भाई चल। ओके इधर से ही निकलते हैं। अबे इसीलिए तो सब इधर से निकल रहे हैं, इधर एक रास्ता बन गया यार गाड़ियों के जाने का, देख तू भी गाड़ी इधर से ही लेके जा रहा है। तो कहाँ से लेके जाऊँ मैं, ऊपर पहाड़ से लेके जा। अबे चल भाई ठीक है छोड़, इधर से ही निकल गई गाड़ी। बस बस इसी वजह से सब इधर से लेकर जा रहे हैं, सबको यही लग रहा है कि चलो इधर से निकल ही जाएगी। अरे नहीं निकलेगी भाई, रिवर्स में लेना ही पड़ेगा, या फिर एक सेकंड निकल जाएगी शायद। अरे यार दूसरी तरफ से निकाल लो गाड़ी। अब तो यहीं से निकालूंगा मैं, वैसे भी इस घर में अब टूटने लायक बचा ही क्या है, पूरा घर तो कबाड़ा बन चुका है भाई। ओके ओके फाइनली आ गए गाइस, अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर हम लोग निकलते हैं लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस। बताओ यार लॉस सैंटोस के लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे इस दिन का, कि भाई किस दिन मिसाइल की टेस्टिंग होगी, कैसे सब कुछ होने वाला है, और इनकी मिसाइल आके गिर गई मेरे ही घर पे, कोई कोई बात होती है ये, क्या मिसाइल बनाई थी इन लोगों ने, सीधे मेरे ही घर पे आके गिर गई, क्या ये एक साल मेहनत की, इससे अच्छी तो मैं आरपीजी के निशाने लगा लेता हूँ भाई, मेरा ही आरपीजी का निशाना कभी नहीं चूकता है, लेकिन इनकी मिसाइल देखो समुद्र में जाने के बजाय मेरे घर पे ही आ गई, वो भी पूरा घर चकनाचूर हो गया है। चल के मिलिट्री वालों से पैसे मांगते हैं। अरे कितने पैसे मांगोगे यार? मैं मिलिट्री वालों से मांगूंगा, देखो भाई अपना घर है तो वैसे 25 करोड़ का, लेकिन जितनी डिस्ट्रक्शन हुई है उसके हिसाब से डिस्ट्रक्शन को ठीक करने में कम 10 करोड़ तो लगेंगे भाई। बैक कर लिया, तुझे लगता है मिलिट्री वाले 10 करोड़ तुझे दे देंगे? लगता तो नहीं है, लेकिन मिलिट्री कर्नल अपना दूर का दोस्त तो है ही, तो तुझे लगता है वो देगा तुझे 10 करोड़? 10 नहीं तो 5 तो देगा। अरे चलो यार देख लेते हैं आखिर में कितने मिलते हैं। लेट्स गो गाइस, मैं निकलता हूँ यहाँ से फटाफट से मिलिट्री बेस की तरफ, देखते हैं यार कितने पैसे मिलते हैं वहाँ से। पूरे लॉस सैंटोस के अंदर इतने सारे घर हैं, इतने सारे इलाके हैं, कितने सारे घर तो ये देखो समुद्र के जस्ट किनारे बसे हुए हैं, पूरे के पूरे मोहल्ले भाई, ये देखो ये पूरा का पूरा मोहल्ला भाई लिटरली में समुद्र के किनारे बसा हुआ है, लेकिन इधर आके नहीं गिरी वो मिसाइल, इधर किसी बंदे की ना गाड़ी पे वो मिसाइल गिरी ना घर पे वो मिसाइल गिरी, लेकिन मेरे घर पे देखो जो कि पता नहीं कहाँ कितनी दूर है समुद्र से, वहां जाके गिर गई भाई। कोई कोई बात होती है ये, लिटरली में कोई बात होती है भाई, ये क्या ही बताऊं अब मैं भाई, लिटरली में किसी के घर पे नहीं गिरी, इतने सारे घर हैं, मतलब मेरी जो गली है उसमें कितने सारे घर हैं, हमारा घर है, हमारे पड़ोसी का घर है, फिर हमारे पड़ोसी के बगल वाले पड़ोसी का घर है, फिर उसके बगल में एक और घर है, उसके बगल में, मतलब हमारी गली में ही 6-7 घर है, लेकिन उनमें से किसी पे भी वो मिसाइल नहीं गिरी, मेरे घर पे आके गिरी भाई, हमारी किस्मत सबसे ही बेकार है। चलो भाई
एक चीज में तो अच्छी है किस्मत, गाड़ी ब्लास्ट नहीं हुई अपनी, ना टीवी फूटा, लेकिन घर तो फूट गया पूरा का पूरा। ओके, मिलिट्री बेस पहुंचने वाले हैं गाइस हम लोग ऑलमोस्ट। देखते हैं क्या ही सीन है भाई, कितने देते हैं ये लोग पैसे। होपफुली एटलीस्ट 10 करोड़ तो दे दें, ये घर तो मेरा वापस से ठीक हो जाए। अपने पास कोई दूसरा भी घर नहीं है भाई, और वैसा टूटा फूटा कोई घर अब खरीदेगा भी नहीं। ओके, मिलिट्री बेस आ चुके हैं गाइस, लेट्स गो। खोल दो भाई गेट। गेट ओके खुल गया फाइनली, थैंक यू। चलते हैं कर्नल से बात करते हैं, यहीं होता है ना कर्नल हमेशा। कर्नल कहाँ है भाई? ओए ये तमीज है। तो कर्नल सर कहाँ हैं? जहाँ मिसाइल की टेस्टिंग हो रही थी उधर। अबे क्या टेस्टिंग की भाई, तुम लोगों ने मेरी घर पे गिरा दिया मिसाइल, कोई बात होती है ये? घर तो गया वो, छोड़ गए वो तो सही टाइम पे हम लोग टीवी देख रहे थे और टीवी में अपना घर देखा तो हम लोग अपना घर छोड़ के भागे। अगर घर छोड़ के नहीं भागे होते तो? अरे तो क्या यार, हम लोग भी मिसाइल के संग उड़ जाते। वही तो भाई, सोच ये कितना ज्यादा खराब होता भाई, आज हमारा आखिरी दिन भी हो सकता था लॉस सैंटोस में, लेकिन बच गए फिलहाल ये लग कर्नल। ओके यही तो आ रहा था टीवी पे। चलो भाई कर्नल भाई ये क्या है? अरे फ्रैंकलिन यार तुम्हें पता है हमारी जो मिसाइल है वो गलत चली गई यार, और किसी के घर पे गिर गई है, पता नहीं वही हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं उस घर में कोई जिंदा बचा है कि नहीं। अच्छा तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता चला किसके घर पे गिरी है? नहीं यार, अब टॉप के एंगल से क्या समझ में आ रहा है, हमने भेजे हैं एम्बुलेंस वगैरह फायर ब्रिगेड वगैरह, देखते हैं किसके घर पे वो मिसाइल गिरी है। अबे मिलिट्री कर्नल, अब क्या फायर ब्रिगेड भेज रहा है और एम्बुलेंस भेज रहा है, कुछ फायदा नहीं है। क्यों, सब टपक गए घर वाले? अबे यार हम लोग हैं उस घर के मालिक। क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अबे वो मेरा ही घर है भाई, तेरी मिसाइल मेरे ही घर पे आके गिर गई है। अरे यार नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अबे वो जो तेरे मिसाइल के कैमरे में जो घर दिख रहा है ना भाई, जिसकी तरफ मिसाइल तेरी बढ़ती जा रही है, वो मेरा ही घर था तालाब के बगल वाला। अरे फ्रैंकलिन आई एम सो सॉरी यार, लेकिन ऐसे कैसे हो गया? बे तू हंस रहा है? नहीं मतलब हमारी मिसाइल यार समुद्र में इधर जाने वाली थी, तुम्हारे घर पे कैसे चली गई? बिल्कुल उल्टा, तुम्हारा घर तो उधर की तरफ है। वही तो, तू खुद सोचना भाई क्यों गई तेरी मिसाइल, क्या क्या बनाया था तुम्हारी साइंटिस्टों ने, तुम्हारे ह्यूमन लैब्स वालों ने? पता नहीं यार, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी मिसाइल के अंदर। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम सेफ तो हो ना, और घर कैसा है तुम्हारा? घर तो पूरा उड़ गया है भाई, कुछ नहीं बचा है घर में, सारी दीवारें विवारें छतवत सब कुछ टूट गया है, मलबा मलबा भर गया है भाई पूरी सड़क पे, हर तरफ बर्बादी बर्बादी है, मेरा घर पूरा उड़ गया है भाई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अरे वाह, हेल्प के लिए ही तो आया हूँ भाई, मेरा घर पूरा टूट गया यार, 10 करोड़ दे दे भाई मिलिट्री कर्नल। क्या क्या, 10 करोड़? 10 करोड़ ही तो मांग रहा हूँ, इतना क्या चौंक रहा है? 10 करोड़ तो नहीं दे सकते फ्रैंकलिन। एक बात बताओ बे, जब तुम्हारी मिसाइल फेल हो गई तो ये क्या बात कर रहे हो मीडिया वालों से? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम और बढ़िया तरीके से ट्राई करेंगे। वो सब छोड़ो, मेरे को 10 करोड़ चाहिए। अरे 10 करोड़ कहाँ से दे दें हम लोग? मुझे नहीं पता भाई, तुम्हारी इस बेकार सी मिसाइल की वजह से मेरा घर उड़ गया तो 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। ओए 25 करोड़ का है मेरा घर, उसमें से 10 करोड़ का तो नुकसान हुआ ही है। देखो फ्रैंकलिन 10 करोड़ तो ज्यादा है, 10 करोड़ तो नहीं दे सकते हम लोग। तो 5 करोड़ तो दो। 5 करोड़ ज्यादा है, 5 करोड़ भी नहीं दे सकते। तो कितने दे सकता भाई तू? रुको मैं बात करके बताता हूँ कितने दे सकते हैं। अबे यार किससे बात करेगा तू? लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट से बात करूं मैं। अबे यार भाई, एक तो हमारा इनकी मिसाइल की वजह से घर गया, ऊपर से अब पैसे मांगने के लिए अपने घर को ठीक करवाने के लिए, तो भाई ये 10 करोड़ भी नहीं दे रहे हैं। अरे कोई बात होती है ये? भाई साहब यार कलुआ, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, एक तो हमारा घर उड़ा दिया, ऊपर से ठीक करने के लिए पैसे भी नहीं दे रहे हैं। वही तो भाई, चौप देख ले कितनी ज्यादा गलत बात है इन मिलिट्री वालों की। भाई कर्नल हुई तेरी बात? हाँ हुई तो, लॉस सैंटोस गवर्नमेंट ने कहा है कि तुम्हें 1 करोड़ दे दिए जाए। 1 करोड़? अबे उसमें क्या होगा? वो तो आई एम सॉरी फ्रैंकलिन मुझे नहीं पता, लेकिन इतने ही मुझे देने के लिए कहा गया है। अबे यार भाई शिनचैन पिंचन और चौप भाई, 1 करोड़ में क्या होगा भाई? अरे कोई बात नहीं यार, अब हम लोग अपनी तरफ से पैसे लगा देंगे। यही करना पड़ेगा, ला भाई 1 करोड़ तो दे कम से कम। वो तुम्हारे बैंक में भिजवा दिए जाएंगे। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। फिलहाल हमारे घर को जो नुकसान हुआ है गाइस, वो 10 करोड़ के लगभग का नुकसान हुआ है, और मिलिट्री बेस से हमें मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़, जिनकी वजह से हमारा घर उड़ा, जिनकी वजह से हमारी जान जाते जाते बच गई भाई। इन लोगों ने सिर्फ 1 करोड़ दिया है हम लोगों को, 1 करोड़ में क्या होगा? फिलहाल 9 करोड़ अपने पास है गाइस, तो इस तरीके से अपने बैंक से मैं 10 करोड़ लेकर आता हूँ।
और 10 करोड़ लगा के फटाफट से अपने घर को बनवाने की कोशिश करते हैं, रिपेयर करवाने की कोशिश करते हैं, और मिलिट्री वालों से बदला भी लूँगा। मिलिट्री वालों को छोड़ूंगा तो नहीं मैं, तुम लोगों को लग रहा होगा भाई हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ, मिलिट्री वालों से देखना भाई मैं बदला तो लूँगा, कुछ ना कुछ तो करूँगा, इनकी इनकी भाई वो मिसाइल वाली व्हीकल ही चुरा लूँगा या कुछ तो करूँगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा भाई मिलिट्री वालों को। अगर ये 10 करोड़ मुझे दे देते तो कोई बात भी होती, चलो मान भी जाता मैं कि चलो भाई कोई बात नहीं गलती हुई है, तो चलो इन लोगों ने अपनी गलती को स्वीकार किया है और मुझे 10 करोड़ दे दिए घर को ठीक करने के लिए, लेकिन नहीं 1 करोड़ दिए उससे क्या ही होगा, तो 9 करोड़ मेरे पास ऑलरेडी है तो वो लगाने पड़ेंगे, और ये सब 10 करोड़ का खर्चा करके अपने घर को बनवाने का काम शुरू करता हूँ, और फिर चलते हैं गाइज इन मिलिट्री वालों से पंगे लेने के लिए, इन मिलिट्री वालों से बदला लेने के लिए, छोड़ूंगा नहीं भाई इनको मैं। चलो चलो यार अभी तो पहले बैंक में चलो। चलो गाइज बैंक चलते हैं, 10 करोड़ निकाल के लाते हैं। ओके पहुँचने वाले अपने घर की तरफ, ज़्यादा दूर नहीं है भाई हमारे घर से जो बैंक है, काफ़ी पास में है, यहीं पर तो है, 1 सेकेंड ये रहा अपना लॉस सैंटोस का पैसिफिक स्टैंडर्ड पब्लिक डिपॉजिट बैंक, चलते हैं फटाफट अंदर। ये रहा काफ़ी लंबा चौड़ा बहुत ही बड़ा सा बैंक है, ये रहा एटीएम, एटीएम से निकल जाएंगे 10 करोड़ शायद, निकालने की कोशिश करते हैं, पिन विन डाल दिया। चलो भाई एटीएम से तो निकले नहीं, बैंक में जाकर ही 10 करोड़ निकाल के लाने पड़े। अब चलते हैं, अब अपने घर को वापस से ठीक करवाने का काम शुरू करते हैं, और उसके बाद मैं जाता हूँ भाई ज़रा बदला लेने के लिए। यस बदला भी तो लेना पड़ेगा मिलिट्री वालों से, ऐसे थोड़ा ना छोड़ दूंगा उन्हें मैं, और बदला लेने के लिए मैं हेल्प लूँगा गाइस लेस्टर की। फिलहाल कैसे मैं बदला लूँगा और कैसे मैं हेल्प लूँगा लेस्टर की वो तुम लोग देखते रहो, पता चल जाएगा। अभी तो फिलहाल घर चलते हैं और ये 10 करोड़ दे देते हैं भाई शिनचैन, पिनचैन और चॉप को, ताकि अपने घर को वापस से ठीक करवाने का काम ये लोग अभी के अभी शुरू कर दें। चलो लेट्स गो, आ गए इधर से राइट, आराम से ओकेनाइस, और आ गए फाइनली हमारे घर की तरफ। अभी भी लोग इसी रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं भाई, अभी भी मान ही नहीं रहे बंदे। ओके मैं भी जाता हूँ इसी रास्ते से। अरे यार तुम भी तो जिद्दी हो। ओके ओके नहीं छोड़ो मैं नहीं जा रहा अब इस रास्ते से, या फिर जाऊँ रुक जाओ। अरे दूसरे रास्ते से जाओ यार। मेरी गाड़ी अटक गई। मैं तो कह ही रहा था दूसरे रास्ते से जाओ। दूसरे रास्ते से ही जाना पड़ेगा गाइस, मेरी गाड़ी अटक गई वहाँ से इधर से जाने में तो। ओके शिनचैन पिनचैन और चॉप उतरो भाई, मैं ज़रा वर्कर्स की टीम को फ़ोन कर देता हूँ और ये पैसे रख देता हूँ भाई इधर। तो शिनचैन पिनचैन चॉप भाई वर्कर्स की टीम को मैंने कॉल कर दिया, वो लोग आते हैं तो फिर मैं जाऊँगा लेस्टर के पास, ठीक है। अरे ठीक है यार। ओके गाइज यहाँ पर वर्कर्स की टीम आ चुकी है। अबे यार यहाँ तो गाड़ियों की लंबी लाइन लगती जा रही है इस रास्ते को क्रॉस करने के लिए। अबे कोई पार्कोर चैलेंज या रैम चैलेंज नहीं चल रहा है बे गधो, गाड़ी वाले गधो, किसी और रास्ते से चले जाओ, जरूरी है इधर से जाना। मान ही नहीं रहे यार क्या ही बंदे हैं। ठीक है भाई शिनचैन पिनचैन पैसे वगैरह दे देना वर्कर्स भाई, समझ में आ गया ना मैंने क्या कहा है। ओके सर सब कुछ समझ में आ गया है। यस सर समझ गए, हम लोग कर देंगे आपका काम। हैं कर देंगे आपके घर का काम, ठीक है। मान जाओ यहाँ से कहीं और ही चले जाओ, यहीं लाइन लगा के भाई निकलने की सारे कोशिश में लगे पड़े हैं, क्या ही लॉस सैंटोस के अजीबोगरीब बंदे। एक बंदा उधर से निकल के आया भी, अरे क्या ही बोलूं भाई लॉस सैंटोस के लोगों के बारे में। चलो भाई निकलते हैं लेस्टर के घर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, लेस्टर ने टीवी वगैरह तो देखा ही होगा, मिसाइल लॉन्चिंग के बारे में तो देखा ही होगा, और उसको पता भी होगा कि मिसाइल कहाँ पे गिरी है, और वो तो मेरे घर को अच्छी तरीके से जानता है, तब भी भाई मेरा हालचाल पूछने के लिए उसने फ़ोन वगैरह भी नहीं किया, ना वो मेरे घर पे आया। पता नहीं भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बात है, मैं तो लेस्टर को ही अपना सबसे पक्का दोस्त समझता हूँ, इसने तो धोखा दे दिया यार, या तो हो सकता है इसने नहीं देखा होगा भाई टीवी। चलो देखते हैं उसके घर पे चल के देखते हैं क्या सीन है। लेस्टर के घर पहुंचने वाला हूं मैं। ओके बस पहुंच गया। वैसे ये वाली गाड़ी कैसी लग रही है भाई, मेरी नई नवेली मर्सिडीज जी वैगन नकली वाली कैसी लग रही है, कमेंट में जाके बताओ गाइस ज़रा। कलर कैसा लग रहा है भाई, यूनिक कलर है ना काफ़ी ज़्यादा, मैंने पुरानी वाली अपनी रेंज रोवर बेच के ये खरीदी है। ओके लेस्टर ब्रो वेयर आर यू लेस्टर ब्रो, अबे लेस्टर ही नहीं है भाई यहाँ तो, लेस्टर कहाँ गया यार, एक सेकेंड भाई लेस्टर तो यहाँ पर, अबे एक सेकेंड वो तो रहा, घोड़े बेच के ये तो सो रहा है कि लैपटॉप देख रहा है, अबे वो तो सो रहा है भाई, अबे लेस्टर भाई उठ जा सो क्या रहा है। अरे ये कौन सा तरीका है फ्रैंकलिन, तू एक बात बता तूने टीवी नहीं देखा। मैं टीवी नहीं देखता। अच्छा तो तुझे तो पता ही होगा आज मिसाइल लॉन्च होने वाली थी। हाँ ये तो पता था। तो क्या हुआ उस मिसाइल का, पता नहीं। तो सुबह आज जगा भी कि नहीं। नहीं नहीं मैं तो अभी तक सो रहा था यार। हैं दोपहर के 12 बजे तक तू सो रहा था भाई। यस
कल यार देर रात तक मैं ऐसे लैपटॉप चलाता ही रह गया इसी वजह से। खैर वो सब छोड़, मैं बताता हूँ क्या हुआ। मिसाइल भाई लॉन्च की अपने मिलिट्री वालों ने और वो मिसाइल मेरे घर पे गिर गई यार। तो फिर ये तुम्हारी आत्मा है? अबे मैं बच गया उसमें। अच्छा, और शिनचैन पेंशन चौप भी बच गया, लेकिन अपना घर पूरा टूट फूट गया। तो मैं मिलिट्री वालों से 10 करोड़ मांगने के लिए गया कि भाई दे दो, मेरा घर पूरा टूट फूट गया, उसको रिपेयर करवाने के लिए। नहीं दिए भाई उन लोगों ने। तो वो क्यों देंगे? अबे देना बनता है भाई, उनकी गलती की वजह से मेरा घर उड़ा है। तो तुम अब क्या चाहते हो? मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। अरे बदला लेके क्या होगा, एक काम करो तुम उनकी गाड़ी चुरा लो कोई। हैं? हाँ हाँ गाड़ी चुरा लो, तुम्हारे घर का खर्चा निकल जाएगा रिपेयरिंग का। अबे बात तो सही कह रहा है यार लेस्टर। हाँ यार मैं अपने घर को भाई क्यों खुद के पैसों से रिपेयर करवाऊँ। मैं मिलिट्री वालों की गाड़ी चुराता हूँ, सिंपली उस गाड़ी को बेच देंगे और फिर अपने पास 10 करोड़ आ जाएंगे सिंपली। इस तरीके से मैंने उन्हीं के पैसों से अपना घर बनवा लिया। हाँ ये सही है लेस्टर भाई। तू बता कोई गाड़ी है मिलिट्री वालों की ऐसी? हाँ यार एक ब्लू कलर की बहुत तगड़ी व्हीकल है उनके पास। अच्छा उस व्हीकल को चुरा लो, बिकवा दूंगा मैं 10 करोड़ में आराम से। अरे वाह यार कैसा कलर है उसका? बताया तो ब्लू, स्काई ब्लू। और कुछ यूनिक स्पेशलिटी? उसके अंदर वेपन्स लगे हैं, गोलियां लगी हैं। अच्छा ठीक है मैं लेकर आता हूँ। यहीं लेकर आना डायरेक्ट? हाँ हाँ यहीं लेकर आऊंगा डायरेक्ट। चलो गाइस इस गाड़ी को एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। लेस्टर भाई मैं अपनी गाड़ी यहीं पे छोड़ रहा हूँ। तो किस गाड़ी से जाओगे? अबे अपनी गाड़ी क्यों लेकर जाऊँ, किसी और की गाड़ी लेकर जाऊंगा ना मैं। ओके ओके ठीक है, तेरे घर के पीछे लगा देता हूँ मैं अपनी गाड़ी। ठीक है कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो भाई अब किसी और की गाड़ी लेकर चलते हैं। कोई मास्क वास्क होगा? क्योंकि उनको पता नहीं चलना चाहिए भाई उनकी गाड़ी मैं चुरा के जा रहा हूँ। है मास्क ले जाओ। ये क्या ये मास्क दिया है लेस्टर ने यार, इससे तो मैं और चोरों जैसा ही लग रहा हूँ। चलो कोई नहीं, पता क्या चल रहा है किसी को कि ये मैं हूँ। अब एक काम करते हैं, हम बगल से किसी की गाड़ी उठाते हैं। ये वाली गाड़ी उठाते हैं। चलो भाई और ये थोड़ा कांच, ये वाली गाड़ी बढ़िया है। अब इसको लेकर चलते हैं ज़रा हम लोग मिलिट्री बेस और चुराते हैं मिलिट्री वालों की स्काई ब्लू कलर की 10 करोड़ की गाड़ी और उससे अपने घर को रिपेयरिंग का खर्चा निकल जाएगा। सही है भाई सही है। अभी कुछ देर पहले तो मैं मिलिट्री कर्नल से बात करने के लिए आया था जस्ट फ्रैंकलिन बन के, बट अभी तो मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ तो टेंशन हो रही है। बट कोई बात नहीं, मेरे पास वेपन्स है लेकिन वेपन्स का यूज़ नहीं करूँगा मैं। मेरे को सिंपली वहाँ से किसी से पंगे नहीं लेने, मुझे तो मेरे अपने 10 करोड़ निकालने हैं भाई। गलती मिलिट्री वालों की है भाई, अगर तुमसे गलती हुई है तो सिंपली एक्सेप्ट करो और जो भी नुकसान हुआ है उसके पैसे दो। नहीं दिए उन लोगों ने पैसे मुझे, इसीलिए मैं आया हूँ भाई चोरी करने के लिए और अपने 10 करोड़ निकालने के लिए। बाकी गाइस अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत ही खतरनाक मिशन होने वाला है ये। मुझे मेरे 10 करोड़ चाहिए और उसके लिए जाना ही पड़ेगा मिलिट्री बेस में। लेट्स गो। 4-4 की पुलिस लग गई है, मिलिट्री वाले मेरा कुत्ता बनाने वाले हैं, लेकिन वो मेरा कुत्ता बनाया उससे पहले मैं इनकी गाड़ी चुरा के भागने वाला हूँ। मेरे पास कोई बुलेट प्रूफ कार नहीं है इसलिए मुझे जल्द से जल्द ये काम करना होगा। इनकी कहाँ होगी वो ब्लू कलर की गाड़ी? पता नहीं भाई। और भाई इसके अंदर वेपन्स भी हैं, सीरियसली में इस वाली व्हीकल के अंदर भाई वो मिसाइल तो थी ही, साथ में वेपन्स भी लगे हैं। वही व्हीकल चुरा लूँ क्या? नहीं नहीं मुझे नहीं वो चुरानी। ओके लेट्स गो। अरे मेरी गाड़ी, मेरी जीप कैसे गोल गोल घूम रही है? कहाँ है भाई इनकी ब्लू कलर की गाड़ी, स्काई ब्लू कलर की गाड़ी? कहाँ है? पीछे 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 पीछे, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके ओके नाइस नाइस नाइस। एक काम करता हूँ, यहाँ से नहीं पीछे से घूम के आता हूँ और फिर उधर से इधर आ जाऊँगा मैं। यस ये बढ़िया तरीका है। यहाँ से अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से गया, यहाँ से घूम के आ गया सिंपली। अब अगर उधर से आता मैं इस गाड़ी के अंदर तो पीछे से बहुत गोलियाँ पड़ती। यहाँ से देखो घूम के आ गया, गोली खिलाने का इन्हें मौका ही नहीं मिला। और यहाँ से मैं निकल गया इसको लेके, जिसके अंदर वेपन्स ही वेपन्स है, एक फ्रंट में भी एक बैक में भी। ओके ओके आराम से चिल, एकदम चिल 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 आराम से। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, मुझे निकलना है इस गाड़ी को लेके फटाफट क्योंकि मुझे मेरे 10 करोड़ चाहिए। 10 करोड़ में बढ़िया व्हीकल है फिर तो ये। हाँ मैंने मर्सिडीज जी वैगन खरीदी है 6 करोड़ में, नकली ही हो भले ही लेकिन 6 करोड़ की है वो। 10 करोड़ में ये बढ़िया गाड़ी है, मैं ही रख लूंगा क्या? लेकिन मिलिट्री वालों ने देख लेना भाई मेरे पास कूट डालेंगे। नहीं नहीं मैं नहीं रखूंगा इसे फिलहाल, मेरे को इसे लेकर निकलना है, मुझे तो इसके पैसे चाहिए। लेस्टर बिकवा देगा इस गाड़ी को। चलो चलो एग्जिट करते हैं गाइस, बस यही करना था मुझे, किसी से पंगे थोड़ा लेने थे मिलिट्री वालों से, ना ही किसी को उड़ाना था, सिंपली जाना था गाड़ी चुरा के लाना था। इन लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि मैं हूँ कौन और मेरी गाड़ी कहाँ आ गई। मेरी गाड़ी अटक गई, मैं नीचे गिर जाता हूँ। चलो कम ऑन पानी में, बहुत ही बढ़िया पानी के अंदर भी चल जाएगी, बहुत ही एपिक गाड़ी है ये तो। ये अभी मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा फटाफट। ओके नाइस नाइस, चलो निकल गई दूसरी तरफ भी। स्केप करते हैं इन मिलिट्री वालों से और साथ ही साथ पुलिस वालों से। लेट्स गो गाइस, फटाफट से स्केप करते हैं, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है भाई मेरे लिए।
मिलिट्री वालों से एस्केप करना है, इधर उधर जाके कहीं पेड़ों के पीछे छुप जाऊंगा, झाड़ के पीछे, पता भी नहीं चलेगा इन लोगों को कि मैं गया कहाँ। नाइस जंप। और ये हम लोग पहाड़ों की तरफ आ चुके हैं, मिलिट्री वालों और पुलिस वालों से हम लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंटली दूर होते जा रहे हैं। बस बस इधर पहाड़ पे चढ़ा देते हैं इसे। नाइस, चढ़ जा, कम ऑन, यू कैन डू दिस। चलो, अरे यार ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। कोई नहीं, छोड़ देंगे मेरा पीछा, तुम लोग जाओगे इस इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करो फटाफट, अभी तक फॉलो नहीं किया है तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और काफ़ी जल्दी स्केप करने वाला हूँ मैं पुलिस वालों से। इधर 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 आराम से। नाइस नाइस, छोड़ दिया शायद, हाँ छोड़ दिया भाई उन लोगों ने मेरा पीछा। हेलीकॉप्टर, अच्छा नहीं था इधर, तभी मेरा पीछा छोड़ दिया उन लोगों ने। पता नहीं कितनी दूर भी आ भी तो गया मैं मिलिट्री बेस से, कहाँ मिलिट्री बेस था भाई और कितनी दूर आ गया मैं। ओके फाइनली पीछा तो छूटा, अपना घर आई गेस ठीक हो चुका होगा अभी तक, चलते हैं घर। अरे यार मैं इसे लेस्टर के घर लेके जाऊँ इस व्हीकल को, या फिर पहले अपने घर चेक करके आऊँ। एक काम करता हूँ, मैं अपने घर वाले रास्ते से ही निकल लूँगा और लेस्टर के घर चला जाऊँगा, हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि इस व्हीकल को मैं अपने घर के पास नहीं रखना चाहता यार। वैसे भी मिलिट्री वाले शायद मेरे घर पे एक चक्कर काटने के लिए आए हैं कि भाई मैं ठीक तो हूँ, सही सलामत तो हूँ, इसलिए मैं इस व्हीकल को अपने घर पे डेफिनेटली नहीं लेके जा सकता, लेस्टर के घर ही ले जाना पड़ेगा। तो ऊपर से ही देखते हैं, क्या पता मिलिट्री वाले आ रखे हों। अरे एक सेकंड, वो स्क्रैप सारा हट गया भाई। ओ ये तो ठीक हो गया। अरे फेंडे देखो यार, घर एकदम चकाचक हो चुका है। अरे वाह भाई, अंदर से भी। अरे सब कुछ फिक्स कर दिया उन वर्कर्स ने। अरे वाह, अबे लेकिन तुम लोगों ने मुझे कैसे पहचान लिया बे? अरे तुम्हारे कपड़ों की वजह से। अच्छा मिलिट्री वालों ने तो नहीं पहचाना होगा? नहीं नहीं, मिलिट्री वाले थोड़ी ना पहचानेंगे मुझे इन कपड़ों की वजह से, शायद ना ही पहचाना हो तो बेहतर है। मैं जा रहा हूँ भाई, मिलिट्री वाले आए तो कह देना मैं नहीं आया था। अरे ठीक है यार, निकलते हैं गाइस लेस्टर के घर, और इस गाड़ी को बेच के मेरे को मेरे 10 करोड़ मिल जाएंगे। और इस तरीके से मैंने मिलिट्री वालों के पैसे से ही अपना घर रिपेयर करवा लिया। बाकी तुम लोगों को आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो गाइस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना, और इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर तुम लोगों ने अभी तक बाकी हमारी 2 फ्रैंकलिन हाउस ब्लास्ट के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो भाई, इसके अंदर भी हमारा घर ऑलरेडी 2 बार उड़ चुका है भाई, उसमें भी हमारी हालत खराब हुई, बट हम लोगों ने कैसे उस घर को रिपेयर किया देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।